फील्डिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रिकेट। मॉडर्न डे में आप देखें जिस जिस टीम की फील्डिंग अच्छी है उनका विनिंग रेशो ज़्यादा है। जब तक प्लेयर के अंदर से ये चीज़ उजागर नहीं होती कि उसने अपनी फील्डिंग को अच्छा करना है, तब तक उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। कप्तान जैसे भी किसी भी मौजू पर, चाहे बॉलिंग बैटिंग या फिटनेस पे बात करते हैं ना, वो काफ़ी एम्फसाइज दे रहा है। हडल्स में जब सुबह भी बात करते हैं प्रैक्टिस शुरू होने से पहले, तो फील्डिंग पे काफ़ी एम्फसाइज देता है कि फील्डिंग में हमने अच्छा होना है, फील्डिंग में बेहतर होना है। जो ट्रेनिंग सेशन है वो आपने उसी तरह एग्जीक्यूट करने हैं जिस तरह के आप एक इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। जो एजिलिटी को, लड़कों की पावर को, लड़कों की एनर्जी को इन्हेंस करते हैं, उसमें शाहीन शाह है, उसमें हसन अली है, शादाब है, हारस रऊफ की बहुत बहुत अच्छी इंडक्शन है। दूसरे लड़के इससे इंस्पायर होके वो भी फिर, चाहे उनकी एफर्ट्स इतनी वो नहीं लगा सकते, लेकिन इनको देख के वो मैच करते हैं। तो इसलिए कि 11 के 11 बंदे हैं ना, ये इस तरह लग रहे होते हैं कि ये दे रियली वांट टू डू समथिंग इन द फील्डिंग। सो उससे जो है ना टीम को फ़ायदा हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो विनिंग रेशो थोड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बेहतर हो रही है, वो इन लड़कों की जो एजिलिटी है, जो इनका पैशन है टूवर्ड्स द फील्ड, उससे हमारा ये रेशो बेहतर हो रहा है।